आज के टाइम में हमारे जितने भी जहाँ पे फ्रीलांसर भाई बहन है वो एक प्रॉब्लम जहाँ पे कॉमनली मैक्सिमम फ्रीलांसर को जहाँ पे देखने को मिल रही है, काफ़ी यूजर्स जहाँ पे फेस कर रहे हैं, वो क्या है कि मतलब वो जैसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फीवर हो गया, चाहे कोई दूसरा जहाँ पे अपवर्क हो गया, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, फ्रीलांसिंग वेबसाइट हो गई, जैसे ही वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके बाद जैसे ही वर्क वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, वो जितना मर्जी वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लें, जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लें, फिर भी उनको वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं मिलता है। वो लास्ट में क्या होता है कि हमारे जो फ्रीलांसर भाई बहन है वो जहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम जहाँ पे फ्रीलांसिंग करके अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे हम जहाँ पे फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, प्लस हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमें जहाँ पे वर्क नहीं मिलता है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आप भी जहाँ पे फ्रीलांसर हो आज की इस वीडियो का अंत तक जरूर से वॉचआउट कर लेना, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो चैनल लवी शर्मा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने हमारे शॉर्ट टर्म के लूट ऑफ फनिकल कहते हैं उनकी वीडियो क्रिएट नहीं होती, उनका डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा वहाँ से आपकी अर्निंग होगी, और ऐसे हमारे जितनी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन प्लेटफॉर्म में आपको जहाँ पे वर्क क्यों नहीं मिलता, तो इसका मैं एक ही रीज़न आपको जहाँ पे बताता हूँ। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और उसमें काफ़ी पहले के जहाँ पे फ्रीलांसर अवेलेबल हैं, तो जैसे जितने पहले के फ्रीलांसर अवेलेबल हैं जिनकी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है, अच्छी उनको रेटिंग मिली हुई है, तो जब भी जितने जहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं वो उन्हीं फ्रीलांसर को वहाँ पे हायर करते हैं, जो भी उनका प्रोजेक्ट वगैरह था वो उन्हीं को देता है। तो जैसे ही कोई न्यू जहाँ पे यूजर जाता है वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करता है, पर फिर भी उसको वहाँ पे वर्क नहीं मिलता है। रीज़न यही है क्योंकि उसका अभी फ्रेश प्रोफाइल पर वहाँ पे बनी हुई है और उन वेबसाइट्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, तो जो पुराने फ्रीलांसर हैं उनको तो वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, प्लस यहाँ पे जो न्यू फ्रीलांसर हैं उनको वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं मिल रहा है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जहाँ पे एक न्यू फ्रीलांसिंग वेबसाइट जहाँ पे आ चुकी है जिसका नेम upmychain.com है, आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे सर्च करोगे इस तरह का इंटरफेस आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट अभी न्यूली जहाँ पे लॉन्च हुई है तो इस टाइम पर जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी कम है, ये राइट टाइम है। अगर इस टाइम पर आप जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हो, अपना अकाउंट जहाँ पे क्रिएट कर लेते हो और वर्क वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर इन फ्यूचर आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसके बाद आपको जहाँ पे वर्क के लिए अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, फिर आपको जहाँ पे वर्क काफ़ी कम जहाँ पे मिलेगा। तो ये राइट टाइम है, इस टाइम पर अगर आप जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके जहाँ पे वर्क वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं इस टाइम पर जहाँ पे आपको वर्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की तो कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें आपको यूएसए के फ्रीलांसर भी देखने को मिलेंगे, इंडिया के भी देखने को मिलेंगे, कनाडा, पाकिस्तान और भी काफ़ी कंट्रीज़ के आपको जहाँ पे फ्रीलांसर देखने को मिलेंगे, जो आपको डिटेल्स में यहाँ पे नीचे शो कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट टर्म्स हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स बताई हुई। सबसे पहले इसमें करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट, उसके बाद वर्क के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा जहाँ पे वर्क मिलेगा वो भी मैं आपको जहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले टॉप पे आपको ज्वाइन फ्री का ऑप्शन दिया हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप जैसे ही जहाँ पे क्लिक करोगे जहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी यूजर्स जहाँ पे भी गलती करते हैं, तो जहाँ पे आपने फ्रीलांसर वाला ये वाला सेलेक्ट करना है, जैसे ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है फ्रीलांसर वाला, तो आपने सिंपल सा ये वाला सेलेक्ट करना है और कोई भी गूगल अकाउंट के थ्रू आप जहाँ पे लॉग इन कर सकते हो, मैनुअली डिटेल्स फिल करके भी यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जहाँ पे वेरीफाई ईमेल का जहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल जहाँ पे वेरीफाई करवानी है। उसके बाद आपको जहाँ पे अपनी सारी प्रोफाइल सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट करनी है, फुल अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। साथ में ही आपको जहाँ पे टॉप पे एक मैसेज शो कर रहा होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में करता है, तो आपको कोई भी मिस्टेक वगैरह यहाँ पे नहीं हो, इसीलिए आपने सबसे पहले अपना जो बैंक के डिटेल्स है वो जहाँ पे वेरीफाई करवा लेनी है, मतलब बैंक की डिटेल्स सबसे पहले जहाँ पे ऐड कर लेनी है ताकि आपको विड्रॉल में कोई भी जहाँ पे दिक्कत नहीं आए। उसके साथ ही जो आपका जहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दिया होगा यहाँ पे अभी रेड यहाँ पे शो कर रहा होगा डॉट, तो ये क्यों शो कर रहा है? सबसे पहले आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जितनी भी प्रोफाइल है वो सारी प्रोफाइल आपने यहाँ पे कंप्लीट करनी है, बेसिक से डिटेल फिल करनी है, आपके पास कौन से स्किल्स अवेलेबल हैं वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपको जहाँ पे एक और जहाँ पे शो कर रहा होगा डिसेबल माई अकाउंट टेम्परली, इसके ऊपर कभी भी टिक नहीं लगानी, अगर इसके ऊपर आप टिक लगाओगे तो आपका अकाउंट जहाँ पे हाइड हो जाएगा, फिर किसी भी जहाँ पे कोई भी अगर क्लाइंट वगैरह आपका अकाउंट जहाँ पे सर्च करोगा उसको आपका अकाउंट जहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके नीचे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जिस भी लैंग्वेज में आप जहाँ पे वर्क करना चाहो वो लैंग्वेज आप सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे लेवल क्या आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको जहाँ पे टॉप पे थ्री लाइंस दी हुई है इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, जैसे आप जहाँ पे लॉगिन कर लो ये मतलब इस वेबसाइट पे आके जैसे लॉगिन करो जहाँ पे आपको रेड डॉट शो कर रहा होगा और नीचे ऑफलाइन का ऑप्शन नहीं होगा, इसके ऊपर क्लिक करना, जहाँ से ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, मतलब जैसे आप जहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे उसके बाद क्या होगा, आपका जो जहाँ पे रेड डॉट है वो जहाँ से हट जाएगा और जहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिव शो करेगा, मतलब आप इस टाइम पे जहाँ पे ऑनलाइन शो करोगे, देख सकते हो अब यहाँ पे रेड डॉट आपका हट चुका है, मतलब आप इस टाइम पे ऑनलाइन हो। इस टाइम पे अगर कोई भी क्लाइंट सर्च कर रहा होगा उसको आपका अकाउंट दिखेगा तो उसको आप पता चल जाएगा कि आप इस टाइम पे जहाँ पे ऑनलाइन हो, तो उसके बाद आपसे यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है।
उसके बाद जहाँ पे पोस्ट है सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ उसके ऊपर क्लिक करके जिस भी टाइप की आप जहाँ पे सर्विस वगैरह देना चाहते हो वो भी आप जहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है, अपने अपने वर्क का डेमो भी जहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जो कि आप किस टाइप का वर्क करते हो, आपका डेमो क्या वर्क करने का, सारा डिटेल्स आप जहाँ पे अपलोड करोगे ताकि जितने भी क्लाइंट्स अगर जहाँ पे सर्च करें उनको आपका वर्क दिखे तो वो आपको जहाँ पे हायर कर सकें। उसके बाद आपको जहाँ पे टॉप पे 3 लाइंस दिए हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप जहाँ पे आर्टिकल्स देख सकते हो, ब्राउज प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये पेज यहाँ पे लोडिंग लेगा, तो वेट करना। जैसे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो आपको जहाँ पे शो करे जाएंगे, और जो जहाँ पे ऑलरेडी फ्रीलांसर की जहाँ पे प्रोफाइल आपको जहाँ पे शो करी होगी उन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई हुई है उससे भी आप जहाँ से हिंट ले सकते हो। जैसे ये कोई फ्रीलांसर है उन्होंने जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करी हुई है, तो इस तरह से आप इनकी प्रोफाइल भी जहाँ पे देख सकते हो और इससे आइडिया ले सकते हो कि आपको जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म का जहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी आप जहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है आपको जहाँ पे वर्क मिलेंगे, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो जहाँ पे सर्च करेगा आपको हायर करने के लिए तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स आएंगे, और अब आपकी प्रोफाइल उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी तो मैक्सिमम चांसेस आपके हो जाएंगे कि आपको जहाँ पे वो अपना वर्क देगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के रेटिंग की। तो अभी तक इसको जहाँ पे टोटल 5 रुपीज़ मिले हुए हैं, 4.1 स्टार की रेटिंग है ट्रस्ट पायलट पे, और कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाइड है। 5 स्टार की रेटिंग मिलती हुई है, 100% हर एक यूज़र जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के तो जहाँ पे सेटिस्फाइड है, देख सकते हो रिव्यूज़ को आप जहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। तो देख सकते हो जहाँ पे अलग अलग कंट्री से आपको जहाँ पे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, इन्होंने जहाँ पे बोला हुआ कि एक्सलेंट वेबसाइट है अगर फ्रीलांसिंग के लिए। उसके बाद और यहाँ पे नीचे रिव्यूज़ को रीड आउट करके जितने भी रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप जहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करो, जितनी अच्छी आप जहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको जहाँ पे वर्क मिलेंगे। अगर आपको अभी भी कोई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे नेगेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।